मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मैलाड़ियो पल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद बनलागुड़ा अली नगर की आवाम जियो 5G टावर लगाने की वजह से बहुत परेशान है। अब ये टावर लगाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैलाड़ियो पल्ली पुलिस स्टेशन में भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी इसकी एक दरख्वास्त दी गई, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से बराबर जियो टावर के लिए करंट दे दिया गया। अगर इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से पावर सप्लाई नहीं दिया जाता तो शायद ये टावर स्टार्ट ही नहीं होता। लोकल कारपोरेटर या फिर लोकल लीडर जो भी है, इनको चाहिए कि ये आवाम की जो परेशानी है ये दूर करे, क्योंकि 5G टावर की वजह से यहाँ के लोगों की सेहत खराब हो रही है। लेकिन इसकी परवाह ना हुकूमत को है ना जियो टावर के मालिक को है। वो तो किराया दे दे रहे हैं और लोग किराया की लालच में टावर लगा ले रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बोले बाबा और ले ले जाएगा आगे। अभी भाई को फोन करवा रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट उनका नहीं थी ACP को भी। अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं अली नगर बंडलागुड़े से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हमारे को बस्ती वालों को एक ये टावर की तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी 2 5G टावर डाल दिए यहाँ पे लाके। बस्ती वालों को इंटीमेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, दिन में सामान डाल रहे, रात में लाके टावर को इंस्टॉल कर दिए। ये अप्रैल 24 के दिन जो है सो इंस्टॉलेशन करे, जाके जो है सो मैलाड़ियोपल्ली PS में कंप्लेन भी करे। वहाँ पे कंप्लेन करने के बाद वहाँ सिविल मैटर है बोल के आप लोग कोर्ट को जाओ भरें। अब बस्ती के गरीब लोग कोटा कचहरियाँ कहाँ फिर लेते बैठेंगे। हम सिर्फ मीडिया की हेल्प लेने की ये वजह है कि हमारे को जल्द से जल्द टावर हट गया तो यहाँ पे गौर गरीब बस्ती है, यहाँ से 200 फैमिलीज रहते हैं यहाँ पे आसपास में। दैट टू मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, कोई बड़े घर वाले नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने रिसेंटली नए आए, पुरानी बस्ती में लोग बसे हुए 10-10 साल 15-15 साल से मुसीबत के दिन काट के गुजारे बस्ती में यहाँ पे लोग। अब भाई साहब आए, घर लिए, घर जमीन ले लेके बना दे के 5 फ्लोर बना दे के उसके ऊपर टावर लगा दिए। उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टावर हटा दो, और एक आध ऊपर कुछ तो फ्लोर डालिए तो वही किराया उनको आता था, मगर लोगों की जान से खेल रहे हैं उनके किराए के खातिर देख के। हम हुकूमत से सिर्फ ये की चाह रहे हैं कि वो टावर हट गया तो यहाँ के बस्ती के लोगों का कुछ भला हो जाता। तबीयत ठीक नहीं रह रहे, तबीयत खराब है, आजकल कोरोना वायरस वो वायरस ये वायरस चल रहा है, उसके ऊपर ये फिर टावर का नया लग गया तो लोगों को तकलीफ हो जा रही है। बस हम ये चाह रहे हैं कि वो बस हमारे को और किसी से कुछ भी शिकायत नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो टावर को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करा दिए तो बस है, बल्कि वो कोशिश है हमारी। क्या करना बाबा बोलो, अभी हमारे आदमी अपंग गए, उनके आँखें गए, ये टावर के तकलीफ से नहीं हमारे आदमी की भी हालत ऐसी है। हमें करना तो खाना नहीं का तो बैठ जाना ऐसा है, हमारा पीछे तो कोई भी नहीं है। हाँ दवा खाने को डालना पैसे क्या पेट को खान दे बोलो, ये टावर की वजह से हमको तकलीफ बहुत हो रही है। देखो ये अली नगर है बल्लागुड़ा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? टावर के तरफ से हमारी तकलीफ बहुत है, शुगर BP अभी लाओ बोले तो भी मेरे रिपोर्ट लागू दिखा तो मुझे BP के गोलियां चालू है, शुगर चालू है। कब लगाए टावर ये? हमें यहाँ को अब 10 साल होता है ये रूम में चाहिए हमें, उसके पहले कब लगाई ये नहीं मालूम हमको। आप लोग कंप्लेन दिए थे सर, किसे बोलना? 10 बार बोले तो आते ही लड़ाई हमको। हाँ पुलिस चौकी को गए तो वहाँ भी पुलिस लोग अभी हमारा कौन दाँत फिरात नहीं ले रही, हमें जाको किसको बोलेंगे बोलो? हाँ क्या अंधे को बैठेंगे घर में, क्या लंगड़े को? तो हमारा आदमी बैठे सोए, अब क्या करना? पुलिस वाले भी नहीं दे रहे, महिला वाले भी क्या करते हैं देखो हमारा इंसाफ। मैं अली नगर से बात कर रहा हूँ, आम आदमी पूरे अली नगर के इकट्ठा हो गए, यहाँ पे जियो 5G टावर लगा है, लगा के भी 6 महीने हो रहा, 6 महीने से वो नको बोल के भी ऑलरेडी
पुलिस डिपार्टमेंट में काम्प्लेंट दिए तो ठीक है बोल के चंद दिन रोक दिए, फिर आज आके फिर उसको चालू करे। ये इसके वजह से आम पब्लिक, अलीनगर के पब्लिक सब भी परेशान है। एक बीमार है, ये लंगड़े है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों के बीमार आ रहे। ये 5G ये टावर निकालने के लिए हम कितने बार बोल तो भी सुन रहे नहीं, इसलिए आज ये इकट्ठा हो गए अलीनगर के। ये टावर 24/7/2021 को लगा है। ऑलरेडी कंप्लेंट दिए मैलारदर पुलिस स्टेशन दिए, कंप्लेंट नहीं ले रहे, ठीक है बोल के एक बार इधर आ गए, आगे भी बंद कर दिए, बंद करके गए भी उधर जाके भी कंप्लेंट दिए तो वहाँ पे ठीक है बोल के बोल दिया, अच्छी बात है बोल के फिर वही रूटीन चल रहा फिर उसका। और अप्रैल में ऑलरेडी GHMC कमिश्नर को कंप्लेंट भी दिए, शॉप को दिए ऑलरेडी, उनका पूरा यहाँ का अलीनगर वाले का सब पब्लिक का वो सिग्नेचर भी लिए, ऑलरेडी फ़ोन नंबर भी है उनका, एक एक घर वाले का नंबर फ़ोन नंबर भी है। इसलिए हम कितने बार बोल रहे बोल दो भी, फिर आके फिर रात के टाइम चोरी चोरी से रात में टावर लगा दे के मेटेरियल लेकर रख ले कर रात में उसको बना दिए, उसको बना दे के फिर अभी उसको चालू कर रहे। इसलिए ये आम छोटे छोटे बच्चे के लिए सर दर्द आ रहा, बुखार आ रहे, खय हो रहे, ये सब इसलिए हमारी गुजारिश है अलीनगर की तरफ से आपका ये टावर निकालने के लिए हम इजाज़त पूछ रहे हैं, हमारे हेल्प करें। नाम है इनका, मैं बल्लागोड़ा अलीनगर से बोल रहा हूँ। यहाँ हमको बहुत तकलीफ हो टावर की वजह से, बार बार बीमार पड़ना पड़ रहा है। हम गरीब घर को खाने वाले हैं, हमारे पीछे किसी का सहारा नहीं है। ये सब महिला वालों को तकलीफ हो टावर की तरफ से जल्द मेहरबानी करके हटा देना, शुक्रिया। थोड़ा अली नगर में ये टावर की जानिब से जो है हम लोगों को तकलीफ है, अगर इसको निकाल दिया तो बेहतर होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो है जल्द से जल्द ये जो है कार्रवाई करके इसको जो है हटा दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं बल्लागोड़ा अली नगर से बता रहा हूँ। यहाँ पर टावर डाले है, ये टावर की वजह से सारे बस्ती के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही, और इसमें जैसे 200 मेंबर से ज़्यादा लोगों की सिग्नेचर है और सबका आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है। इस वजह से हम लोग जाके PS में कंप्लेंट देने भी गए थे। ये टावर लग के जैसे रमज़ान में लगा था टावर, ये तो हम लोग जाके बल्लिया में भी कंप्लेंट दिए, वो कंप्लेंट के एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी हम लोग के पास है, और हम लोग ACP साहब करने भी जाके कंप्लेंट दिए थे। इसके बाद में भी हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करें, हम लोगों का बस हेल्प चाहिए कि डिपार्टमेंट से ये आके बस जल्द से जल्द टावर जस्ट को डिसकनेक्ट कर दिए। और हम भी है साथ, सारी पूरी बस्ती भी है, और बस्ती के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टावर वालों को हम लोग रिक्वेस्ट करके बोले कि भाई ये टावर निकाल दो आप, बहुत प्रॉब्लम हो रही बस्ती के लोगों को। और ये जो घर बनाए अभी इन्हों रिसेंटली आए सो है, एक प्लॉट लेके 100 गज का भी इन्हों घर बनाए सो है, इनकी इनकम के वास्ते इन्हों जैसे सारे लोगों को परेशानी में डाल दे रहे हैं। इनकी एक कमाई देख रहे हैं लेकिन सबकी सालों की ज़िंदगी जैसे एक रिक्स में डाल दे रहे हैं। इनकी एक कमाई का है जरिया, तो हम लोग बस्ती के लोग बताए भी भाई आप कुछ किराए का घर बना के टीनों का बना के किराए की इनकम कर लीजिए बोल के हर चीज़ बताए। वो बताने के बाद में भी जैसे इन्हों पहलवानी कर रहे हैं, टाइगरी कर रहे हैं, इनको बुलाओ फिर आप लीगली आओ ऐसा आओ। हम लोग लीगली चाह रहे हैं साहब, हम अंगूठा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज़ उनको बताए बाद में भी जैसे इन्हों क्या है सुन रहे नहीं, जाहिलियत पने पर खाली गुफ्तगू कर रहे हैं इन्हों। तो इस वजह से हम लोग ये पूरे बस्ती के एक जगह लोग होके मीडिया इशू करेंगे, ज़रा बताएंगे साहब लोगों तक जैसे हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, इस वजह से हम बता रहे हैं। अभी ऑलरेडी हम बार बार इनको जैसे जाके रिक्वेस्ट करें भाई ये टावर निकालो निकालो बोले बाद में हम नहीं निकालते, मेरे को धमकियाँ आ रही हैं, मेरे को फ़ोन आ कर रहे हैं बोल के खाली सी जैसे चुप नए जैसे ना टॉर्चर की जैसे बातें करें उल्टा भी हम लोग जी साहब परमिशन भी किसी से भी नहीं लिए, इन्हों NOC इनके पास नहीं है किसी के, ना आजूक बाजूक आके नेबर्स के ने भी जैसे इन्होंने नहीं पूछे, इनकी खुद इख्तियारी कर लिए सो है इन्हों। और ये बार बार ये इस कंप्लेंट जैसो बस्ती के जो हमारे है अकबर भाई है, अब्दुल्ला भाई है और सईद भाई है, सारे लोगों के ने जाके बार बार यहाँ बस्ती के लोग भी शिकायत कर रहे हैं, तो वो लोग भी इनसे बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करें इनको भाई अब्दुल करीम नाम है ये ओनर का, इनको बोल रहे हैं बार बार भाई आप ये टावर निकालो बोले तो इन्हों जैसे सुन रहे इसने जी हो निकालूंगा बोल रहे हैं, फिर अपना काम इन्हों अपना ही कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे साथ पूरे बुजुर्ग लोग है, मासूम बच्चे है, आप देख सकते हैं वीडियो में पूरे सारे लोग हैं यहाँ पर, पूरी बस्ती के लोग हैं, इस बस्ती के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो ये जो हम सारी बस्ती के लोगों की तरफ से एक अदबन रिक्वेस्ट है कि बस ये टावर निकाल दिया जाए।
हम लोग यहाँ पर कोई जाहिलियत करने वाले, कोई लड़े झगड़े वाले नहीं होते, अखलाकन से बात करने वाले हैं हम, अखलाक से। इस वजह से हम रिक्वेस्ट है कि बस टावर डिस्कनेक्ट करा दीजिए। यहाँ पर देखिए साहब, फैमिलीज़ बहुत सारे हैं, माशाल्लाह ज़्यादा लोग हैं, और सारे यहाँ पर पूरे लोग मिल गए हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम मारवाड़ी क्रिश्चन सारे लोग मिल गए हैं यहाँ पर, और एकजुट रहते, कोई आपस में जैसो भाईचारे जैसा रहते, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग से रहते। ये सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही, ये बार बार ये लोग जैसो कंप्लेंट करने के वास्ते जैसो जाके पीएस में कंप्लेंट करेंगे, लेकिन जैसो अब्दुल्ला भाई, अकबर भाई और शहीद भाई लोग कंप्लेंट को रुका रहे, नहीं रहने दो, उनसे आपस में बात करके अपन टावर का ख़त्म कराएंगे। अब्दुल्ला भाई ये एरिया के जैसो अब्दुल्ला भाई और अकबर भाई पट्टेदार हैं, तो बार बार उनको बोलते जा रहे हैं, तो वो लोग बात करे बस्ती वाले प्रॉब्लम बोल के, हाँ ऑलरेडी बात करके जैसो बोले रिक्वेस्ट करे, तो वो लोग भी बच्चों को छोटे को बीमार आ जा रहे हैं, कौन भी यहाँ एप्लीकेशन ले रहे नहीं, ये प्रॉब्लम है ये वजह से। आप कब कंप्लेन करे थे सबसे पहले? क्या हुआ फिर? नहीं ले रहे लगा कोई भी कंप्लेन करे, कोई भी कंप्लेन नहीं ले रहे, बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, ये टावर निकाल दे तो बहुत अच्छा रहता। इसका ये टावर हमको बड़ों को बीमार, हमको टावर से बहुत परेशानी है, बच्चे बीमार हम पड़ जा रहे, निकाल दिया तो बहुत बेहतर होता जल्दी से जल्दी। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।